नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबके साथ एक मिक्स्ड वेजिटेबल सब्जी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने दो मीडियम साइज प्याज लिया है स्लाइस्ड, एक कप कैरेट लिया है इस तरह से काट लिया है, कुंदरू लिया है एक कप, बीन्स भी लिया है एक कप, और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का फूल गोभी पूरा लिया है, अदरक लिया है और लहसुन लिया है, दोनों को मैंने पेस्ट कर लिया है, एक एक टीस्पून है। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें डाल दिया है तेल। तेल के गरम होते हम डाल देंगे जीरा, और अब हम डाल देंगे सूखे लाल मिर्च, दो से तीन आप डाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है, और साथ ही हम डाल देंगे कटे हुए प्याज को। अच्छे से भून लेंगे प्याज, अदरक और लहसुन को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। प्याज का कलर जो है अच्छे से ब्राउन होना चाहिए, तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम बाकी की चीज़ें डालते जाएंगे। तो चलिए इसे भून लेते हैं अच्छे से। आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं ताकि जल्दी से ये भून जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, ताकि मसाले भी प्याज के साथ थोड़े से भून जाए। तो सबसे पहले मसालों में हम डालेंगे नमक। तो आप अगर पहले नमक डाले हैं तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मैं अभी एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, यानी कि पूरी सब्जी में जितनी लगेगी उतनी नमक मैंने अभी डाल दिया है। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। हल्दी को अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हल्दी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये हल्दी को हम भून लेंगे। तो ये देसी हल्दी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, पैकेट वाला नहीं है, घर में पिसा हुआ हल्दी है ये। अब हम डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी भून लेंगे अच्छे से। तो मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, मैंने एक चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साधारण लाल मिर्च अपने तीखापन के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने डाला है इससे थोड़ा अच्छा कलर भी आएगा और तीखा जो है वो कम ही रहेगा। ये देखिए, मसाले जो हैं अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच पेपर पाउडर, यानी कि गोल मिर्च पाउडर, और ये मैंने डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये जो गरम मसाला है ये भी घर का पिसा हुआ है, ये पैकेट वाला नहीं है। आप चाहे तो पैकेट वाले को आखिरी में डाल सकते हैं, ये घर का पिसा हुआ है इसलिए मैं उसे भी दो मिनट भून ले रही हूँ। अब हम डाल देंगे एक बड़ा साइज़ का टमाटर और तीन हरी मिर्चें, इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। तो हरी मिर्चें आप पहले भी डाल सकते हैं, मैंने अभी डाला है। ये जो हरी मिर्चें मैंने यूज़ किए हैं ये काफ़ी तीखी है, तो सब्ज़ी में तीखापन जो है हरी मिर्चों की वजह से आएगा। लेकिन जब सब्ज़ी एट दी एंड बनी थी तो ज़्यादा तीखी भी नहीं थी, तो आप चाहे तो हरी मिर्चों को अवॉइड कर सकते हैं तीखापन कम करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आधा कप पानी डालूँगी और तब तक पका लूँगी जब तक टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब हम ढक्कन लगा के इसे पका लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर आपको इस तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा घर पर ट्राई करने के बाद। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लेवरिंग के लिए डाल दिया है करी पत्ता, आपके पास नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, और एट दी एंड आप धनिया का जो पत्ता है वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास करी पत्ता था तो मैंने करी पत्ता डाल दिया है, और फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है, करी पत्ता बहुत हेल्दी भी होता है। तो इस स्टेज में मैंने डाल दिया है करी पत्ते को।
अब हम ढक्कन लगा के टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गया है, ये देखिए ढक्कन मैंने खोल लिया और आप देख सकते हैं तेल जो है ऊपर आ गया है, यानी कि मसाले जो अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं कलची से ही टमाटर को हल्का सा मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गया है टमाटर और मसाला भी जो है अच्छे से पक गया है। अब आती है बारी इनमें सब्जियाँ डालने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम सब्ज़ी डाल लेते हैं। सबसे पहले फूलगोभी डाल देंगे और मसालों के साथ फूलगोभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर आप सारे सब्जियां डाल देंगे तो फिर मिक्स करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने फूलगोभी के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर हम बाकी के सब्ज़ी डाल लेंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने में आसानी होगी। तो ये देखिए अब हम डाल देंगे कैरेट, कुंदरू और आखिरी में डालेंगे बरबट्टी या फिर लॉन्ग बीन्स। तो ये डाल देंगे। ये जो चॉइस मैंने किया है सब्जियों का, आप इस चीज़ को हटा के अपने मनपसंद सब्जियों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मटर हो गया, बीटरूट अगर आपको अच्छा लगता है खाने के लिए तो आप वो डाल सकते हैं। बीटरूट से क्या होगा, कलर थोड़ा बदल जाएगा सब्जी का, लेकिन बहुत ही हेल्दी है बीटरूट। कद्दू आप डाल सकते हैं, कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली सब्जी बनाने के लिए। तो विंटर सीजन में सबसे अच्छा हम सबको यही लगता है कि ढेर सारी सब्जियां खाने का मौका मिलता है एकदम फ्रेश। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूंगी। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से डालें, अगर आपको बहुत सारी ग्रेवी चाहिए तो पानी आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, 1 या 2 या 3 कप। मुझे ग्रेवी थोड़ी कम चाहिए तो मैं 1 कप पानी ही डाल रही हूँ, जिससे कि सारी सब्जियाँ जो है अच्छे से पक जाए और थोड़ी बहुत ग्रेवी भी रह जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और इसे ढक के अच्छे से पका लूँगी। लो फ्लेम में पकाऊँगी, कम से कम 20 से आधा घंटा ढक के मैं इसे पका लूँगी धीमी आँच में। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं सब्जियां जो है काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं और एकदम अच्छे से पक गई हैं। देखिए ग्रेवी भी कम हो गया है। तो मुझे ऐसी सब्जी चाहिए जिससे कि ग्रेवी थोड़ा सा कम रहे, बेसिकली सब्जी ज़्यादा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है, इसमें हम डेकोरेट कर लेंगे। आखिरी में डाल देंगे धनिया पत्ता, जिससे कि 4 चांद लग जाए सब्जी में। ये देखिए हमारा विंटर सीजन का ये स्पेशल सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का ये जो रेसिपी है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।